नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नांदेड़ जिले के किनवत तहसील के बहुचर्चित रंगीला फर्नीचर की दुकान से 27 जून को वन विभाग द्वारा लाखों का अवैध फर्नीचर जब्त किया गया था। यह अवैध फर्नीचर किनवट पुलिस थाने के एक अधिकारी के होने की चर्चा आम हो गई है। शुक्रवार की दोपहर में सोशल मीडिया पर 3 ऑडियो क्लिप साझा होने के बाद पुलिस अधिकारी, वन विभाग और सागवन के तस्करों से साठ गांठ उजागर हो गए। खबरदार संवाददाता राशिद फाजलानी ने हमें उस क्लिप के कुछ अंश भेजे हैं, आपको सुनकर सच्चाई का पता चल जाएगा। हेलो हेलो, रईस भाई, सीएसआई से बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ रईस भाई ना? हाँ जी रईस बोल रहा हूँ। कौन? आप पीएसआई से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, क्या पास जाने का आपने? नहीं ना सर, वो यहाँ पे जमरा नहीं, यहाँ पे पास का। क्या बोल रहे? वो माल तुम कहीं को ले लिए बोल रहे, दूसरे तरफ का मेरे को, तुम दूसरे का चिगली से लाके मेरे को पास बनाते क्या बोल के मेरे को फोन ले यहाँ पे ऑफिस में। कौन बोल रहा है ऑफिस में? अभी ऑफिस में यहाँ पे साहब लोग आए। अरे पाए क्या रेंजर आने का? रेंजर साहब खंदारे साहब है, शेड़ के साहब है, नाले साहब नहीं है, नाले साहब नहीं है। नहीं नहीं शेड़ के साहब को फोन। हाँ हाँ जाके देता हूँ। जा बस अभी यार। बहुत माल है साहब, वो माल बहुत है साहब, वो पूरी गाड़ी। अरे वो मादर चोद ने शादी का फर्नीचर था, उसको पास के लिए पास सर, बना के दे बोला था। मेरे को सर जरा भी बोल दे रहे सर, ये अपने साहब लोगों का मैं कितने भी फर्नीचर बना के देता, अगर मेरे को बोल रहे तो मैं तुम्हारे एक नंबर बना देता। रेश भाई सुनो, अगर को मैं नहीं, और एक मेरे बहन की शादी है 15 जुलाई को। बिल्कुल सर बोलो, एक नंबर बना। सुनो ना, सुनो मेरे बात। हाँ। दिवाली को शादी है, उसका 50,000 अगर को एडवांस दिया, मैं उससे ले लेता और तुमको दे देता हूँ। मुझे वाजर का नहीं चाहिए, तुम बना के दो। सर उनका ने पास नहीं, यहाँ ऑफिस में कैसा है, उनका नाम सुने तो पहले चिल्ला लेते। एक तो आप भी ऑफिसर है, यहाँ पे भी ऑफिसर है, इनको भी पत्रकार प्रेशर डालते, वो वजह से उन्होंने मेरे को बोले दो बार मेरे पे केस हो गया आला है, तुझे ज्यादा ही समझ आ रहा है, ऐसा वैसा बात हो रहे यहाँ पे। नहीं नहीं अरे कल शादी है रईस भाई, क्या बोलो अभी। समझ रहा सर मैं तुम्हारी, मैं समझ सकता हूँ सब बात को। तुम खाली इतनी शादी का ऑर्डर मुझे करा के दो, अगली शादी का मैं बोलता तुमको ही बोलता, मैं आदर से वो पैसा वापस लेता मैं उससे। सर आपकी मुझे अभी आदर से खाली एक टिप्पणी भी बनाना नहीं है। हाँ तो सर उसने क्या बोला, वो अगला साहब के पहचान का था, उसने क्या बोला सर, पास का करके देता बोला। बिल्कुल एक रुपए का पास नहीं है सर, 200 से एक पलंग का पास बनाओ बोल रहे, और बाकी के पूरा वैसे लेके जाने के चक्कर में थे, तो या फिर सर लोग काम मानेंगे जी। उसको दो ना, तुम शेर के साहब को फोन दो ना। शेर के साहब गेट लगा के कहाँ गए कि आएंगे, तो मैं ऑफिस में जो बात करता हूँ उनको लगा के दे दूँ। ये आपका नंबर है ना? अभी रईस भाई ये मेरा ही नंबर है, कितना टाइम लगेगा और पास बनने में? कुछ भी नहीं सर, वांदेवाड़ी हो रही थोड़ी, यहाँ से गया सर वहाँ पे, वो गाँव तक माल चले गया था, बाद में उन्हें गाड़ी वाला क्या लुलिया लफड़े करा की गाड़ी वाले के लफड़े से। मैं तो तुम्हारा माल नांदेड़ से बाहर पास करने के देने वाला था, तो अगले साहब है ना, वो नांदेड़ के बाहर माल पास करके देने वाले, तो इस वजह से माल पूरा चले गया था सर वहाँ, तुम्हारे पास आज पहुँच जाता था, वो गाड़ी वाला गड़बड़ कर दिया। वो भाई तुम्हारे भाई की गाड़ी है ना? मेरे भाई का नहीं, कोई गाड़ी नहीं है ना सर। मेरे पास गाड़ी नहीं है ना सर। अभी तुम्हारे भाई की है ना बोल रहे थे ना, कौन सी गाड़ी? नहीं छोटा हाथी था, आरिफ था, छोटा हाथी था तो बेच गया ना सर मैं। अभी गाड़ी को उसने बनाया क्या गाड़ी कौन से लेने के लिए? नहीं सर वो कैसा है, ये ले आने के लिए गाड़ी उन्हें बनाया भी तो ऐसा पोजिशन है की कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है, ये पूरा पेचीदा मामला हो गया। पास बना रहे सर, पास कम से कम उसको बहुत लगता, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट के बाहर है वो, कम से कम नहीं नहीं बोले साहब 30-50-60-70 घन फीट लगेंगे। अब अभी आप कितने घन फीट का बना रहे? खाली 200 से एक पलंग बनाओ बोले थे, पूरा पेचीदा मामला है वो, कोई बोल के मतलब ही नहीं है सर उसमें। तुम अभी माल आएगा क्या नहीं इधर? बहुत मुश्किल सर, मेरे को एक बात लग रही है ऐसी, बहुत प्रॉब्लम में डाल दी ऐसी बात होगी तुम्हारे।
यार मेरा शादी में भी मन नहीं है, वो ससुराल वाले ने दिया था, उसके सामने आगे पूरी नाक कट जाएगी यार मेरी। क्या बोलूं सर, अगर मेरे को उतना सबको मालूम है सर मेरे बारे में भी, अगर बोलते थे तुम एक नंबर काम करके दे देता सब पूरा। ये लोगों का ना पास रहता ना कुछ रहता, खाली कैसा क्या गिर गए क्या आप जरा। अरे नहीं यार, वो आग लगे साहब की वजह से उसको दे दिया, उसका वो फ्रेंड था सर ना, बेकार का आदमी है वो सर, क्या बोलेंगे, ज्यादा कुछ बोले तो झगड़ो आगे पे आते। जाने दो यार कुछ, अरे तो भाई अब बाकी जाने दो, कुछ भी करके हो जाए है ना, फर्नीचर पहुंचा दो यार, कुछ भी करो, अभी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कुछ भी करके फर्नीचर पहुंचा दो। बहुत सर, मेरे तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छा दिखेगा क्या सर, अब आपके रिश्तेदार बोले तो अपने भी कोई लगेंगे ना, वो वजह से मेरे को अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं यार, कल शादी है यार 11:15 बजे, क्या बताओ। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं यार, तुम क्या करो, इधर से उधर से कुछ तो एडजस्ट करो, गाड़ी वाला वगैरह कुछ तो एडजस्ट करो और कुछ लेके निकलो। गाड़ी वाला बनेंगे सर, सुनो मेरी बात, तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस्लापुर में कोई नहीं बोलेगा, किधर भी कुछ नहीं बोलेगा, उसकी गारंटी मैं लेता। उस गाड़ी वाले को बोला अगर तेरी गाड़ी पकड़ी मैं देता, बोला फिर भी वो हरामखोर नहीं माना। उसको बोला अगर भाई तेरी गाड़ी किसी ने पकड़ी तो 10 लाख रुपए देता मैं, बोला तेरी गाड़ी के पैसे। उन्हें वही बोल रहा, मेरी 9 लाख की गाड़ी है, मेरे को 9 लाख रुपए दे दो बोल रहा उन्हें। मैं बोला था ना उसको, देता बोला ना 10 लाख रुपए देता बोला था आपको उसको। हाँ, बहुत परेशान कर रात में मेरे को, 1:30-2 बजे रात भर सोने नहीं दिए, इतना परेशान करे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जाके वापिस आप बहुत तमाशे करे, और ये आदमी भी कुछ चीज बनी नहीं है, वो पालिश गिलिश बराबर आनी है सब, ये वो कर लेके पलंग एक नंबर बने, सोफे जबरदस्त बने, कुशन भी बहुत एक नंबर बना। अब ये उसमें कैसा है, बहुत भौतिक फर्नीचर है, वो वजह से जो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम नाड़े साहब को बात करो ना, ठीक है, पीए साहब को बना रहे साहब से बात करने के लिए बोलता हूं, बात करके देखो क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, वो चिकली को ऑर्डर दिए थे वो फर्नीचर का, और मेरे को कल से परेशान कर रहे हैं लोग, दुकान में लाके रख दिए फर्नीचर, पास बना के देव भर रहा बच्चा लेकिन ले। हाँ, मेरे को पास बना के देव भर रहे उन्हें। नहीं नहीं, अरे को जैसे लेकिन दे लो, वो क्या है वो तुम्हारा अपने शेड के साथ इनको दोनों को दे दो। हाँ, वो खाली परेशान कर दे रहे, दुकान के पीछे से लाके माल डाल दिए फर्नीचर बने वाला, और खाली ब्लैक मेलिंग कर रहे सर, मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, खाली परेशान कर रहे मेरे को। जो भी करना है वो लिखा पढ़ी में दे दो भाई, मैं आज नहीं हूँ क्या। अच्छा हाँ, तो तुम तुम्हारा जल्दी कुछ करो, वरना कल तुम कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मेरे को मुझसे मत बोलो कि ऐसा करे सामने वैसा करे। पहले तुम्हारे ऊपर 2 केस टूट चुका है, तीसरे में अभी बेल भी नहीं होती फिर। हाँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे मैं वो सीधा सीधा काम कर रहा, कभी भी आके देख ले सकते। अभी मेरे को कल से ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं वहाँ से, बोल रहे हम बात करते साफ से, इनको बात करते उनको बोल रहे। तुम तुम्हारा बचो भाई, मेरे को मत बताओ। ठीक है सर, क्या करना पड़ेगा उसको? कंप्लेंट दे दो, ऐसा ऐसा डाल दिए, तुम्हारे ऊपर नहीं आता वो। अच्छा ठीक है, दे दे तुम्हें कंप्लेंट। किनवट से राशिद फाजलानी, खबरदार, देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।